दोस्तों अपने चैनल सेट जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भेजा दोस्तों लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों कैल्क स्प्रीड शीट में रो की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लिब्रे कैल्क में स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है दोस्तों? 10,48,556 होती है दोस्तों। प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या है दोस्तों? प्रिंटिंग हेतु पेपर की उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों लैंडस्केप और प्रोटेट। कौन है दोस्तों? प्रोटेट और लैंडस्केप है दोस्तों। ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? दोस्तों जब हम ईमेल को दोस्तों डिलीट कर देते हैं दोस्तों तो वह कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? तो वह ट्रेस में स्टोर हो जाता है दोस्तों। कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो फार्मूले की आवश्यकता होती है दोस्तों। डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग दोस्तों क्यों किया जाता है दोस्तों? ताकि लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें दोस्तों। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है दोस्तों? यूपीआई पिन दोस्तों कितने डिजिट का होता है दोस्तों? तो 4 से 6 डिजिट का होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे ऊपर करने के लिए माउस क्या करता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को ऊपर नीचे करने के लिए दोस्तों माउस क्या करता है दोस्तों? है तो स्क्रॉल करता है दोस्तों। लेन के व्यापक रूप से उपयोग होने वाले कौन से दो प्रोटोकॉल हैं दोस्तों? लेन के व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दोस्तों कौन से दो प्रोटोकॉल हैं दोस्तों? तो पहला है दोस्तों ईथरनेट, दूसरा है दोस्तों टोकरिंग है दोस्तों। कौन है दोस्तों? पहला दोस्तों इथरनेट, दूसरा है टोकन रिंग है दोस्तों। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला ईमेल कहाँ भेजा गया था दोस्तों? तो दुनिया का पहला ईमेल दोस्तों कहाँ भेजा गया था दोस्तों? तो अमेरिका को में भेजा गया था दोस्तों। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो यूपीआई दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो रघुराम जी राजन द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। कैश को चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कैश को दोस्तों चेंज करने की दोस्तों शॉर्टकट की क्या दोस्तों है? Shift+F3 है दोस्तों। मेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? मेल यूजर एजेंट को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? हैं दोस्तों तो ईमेल क्लाइंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? हैं ईमेल एजेंट कहते हैं दोस्तों, क्लाइंट कहते हैं दोस्तों। जो सरकार के लिए हैकिंग करता है वह एथिकल हैकिंग कहलाती है दोस्तों। जो सरकार के लिए दोस्तों हैकिंग की जाती है दोस्तों वह एथिकल हैकिंग कहलाती है दोस्तों। यह बात दोस्तों ट्रू है दोस्तों। पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान दोस्तों कहाँ है दोस्तों? पैसा रखने का दोस्तों सबसे सुरक्षित स्थान दोस्तों कहाँ है दोस्तों? है तो बैंक है दोस्तों। सेफ के लिए विंडो शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? सेफ के लिए दोस्तों विंडो शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? Shift+S है दोस्तों। वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों HTTP है दोस्तों। इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों इंटरनेट दोस्तों इंटरनेट का वास्तविक रूप दोस्तों किसके द्वारा विकसित हुआ है दोस्तों? तो रक्षा विभाग द्वारा हुआ है दोस्तों। ईमेल पते में क्या क्या सम्मिलित होता है दोस्तों? ईमेल पते में दोस्तों क्या क्या सम्मिलित होता है दोस्तों? तो मेल सर्वर का डोमेन पता सम्मिलित होता है दोस्तों। मेल सर्वर और डोमेन पता सम्मिलित होता है दोस्तों। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो FTP का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर किसके द्वारा वेबसाइट को दिखाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर किसके द्वारा वेबसाइट को दिखा सकता है दोस्तों?
तो इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइट को दिखा सकता दोस्तों है। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने करेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों अधिकतम 2200 करेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। किस ट्रांसमिशन माध्यम से सबसे तीव्र डाटा प्रदान कर सकते हैं दोस्तों? किस माध्यम से सबसे तीव्र डाटा प्रदान कर सकते हैं दोस्तों? तो ऑप्टिकल फाइबर द्वारा सबसे तीव्र डाटा प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। HTTPS की पोर्ट की संख्या क्या है दोस्तों? HTTPS की पोर्ट की संख्या दोस्तों क्या है दोस्तों? 443 है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध क्या करता है दोस्तों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इनपुट आउटपुट का और मेमोरी का प्रबंध करता है दोस्तों। दोस्तों URL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।